दोस्तों पान का यूज़ लगभग हम लोग सभी लोग करते हैं, आप लोग नहीं करते लेकिन आपके आसपास के पड़ोसी लोग, बगल के लोग ज़रूर कोई ना कोई पान का सेवन करता होगा। दोस्तों पान खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पान का सेवन करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। शरीर की कई सारे रोग को जड़ से खत्म करने में पान बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। लेकिन यदि इसका आयुर्वेदिक तरीके से, आयुर्वेद के तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पान खाने के फ़ायदों के बारे में नहीं बताने वाले हैं, पान में जो पड़ने वाला चूना होता है उसके फ़ायदों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों चूना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपने राजीव दीक्षित सर जी के कई सारे वीडियोस में चूने से होने वाले फायदों के बारे में सुना होगा। चूने के बहुत सारे फायदे हैं पुरुषों के लिए, तो चूने का सेवन करना किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे पुरुष जिनको गुप्त रोगों की बीमारी है, नपुंसकता है, तो उनके लिए चूने का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हड्डियों की बहुत सारी परेशानियों को दूर करने में, हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में, कैल्शियम की कमी की पूर्ति में चूने का सेवन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको चूने से होने वाले कुछ ऐसे फायदों के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद शायद आज ही से आप इसे अपने डाइट में शामिल जरूर करेंगे। साथ ही वीडियो क्लास में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपने डाइट में चूने को शामिल करें, कितनी क्वांटिटी में शामिल करें ताकि आपको इसका अधिक से अधिक फायदा मिल सके और आप इसके फायदों से वंचित ना रहें। सबसे पहले फायदे की बात करें तो हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में, हड्डियों में कैल्शियम की पूर्ति के लिए, दांतों में कैल्शियम की पूर्ति के लिए और हड्डियों की बहुत सारी परेशानियों को दूर करने में, साथ ही हमारे घुटनों में आए ऑयल की कमी के कारण हमारे घुटनों में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनको दूर करने में चूने का सेवन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। साथ ही ऐसे बच्चे जिनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, उनका विकास नहीं हो पा रहा, उनके लिए चूने का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इससे उनकी हड्डियों में कैल्शियम की पूर्ति होगी, हड्डियों को लंबा करने में, हड्डियों के विकास में चूने का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ऐसे बच्चे जिनमें उम्र के हिसाब से दिमाग का विकास, बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, उनके लिए चूने का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। दिमाग की कमजोरी की कंडीशन में चूने का सेवन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। दिमाग की कई सारी कोशिकाओं को, नब्स को रिपेयर करने में, उन्हें सुचारू रूप से काम कराने में चूना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। दिमाग के लिए चूने का सेवन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। साथ ही अगले फायदे की बात करें तो पीलिया जैसी गंभीर बीमारी यानी जॉन्डिस की बीमारियों में भी चूने का सेवन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। चूने के सही इस्तेमाल से जॉन्डिस जैसी यानी पीलिया जैसी घातक बीमारी बहुत ही आसानी से खत्म हो जाती है। अगले फायदे की बात करें तो नामर्दी को ठीक करने में, नपुंसकता जैसी बीमारियों को ठीक करने में, स्पर्म क्वांटिटी यदि कम है, नपुंसकता जैसी घातक बीमारी है पुरुषों में, तो उस कंडीशन में चूने का सेवन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। साथ ही पुरुषों के बहुत सारे गुप्त रोगों के इलाज में चूने का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। साथ ही महिलाओं के लिए भी चूने का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। यदि वो ठीक ढंग से और ठीक क्वांटिटी में चूने का यूज़ करें तो इससे उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। दोस्तों ऐसे ढेरों सारे फायदे हैं चूने के, तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप अपने डाइट में और कितनी क्वांटिटी में आप अपने डाइट में चूने को शामिल करें ताकि आपको इसका नुकसान भी ना हो और इससे आपको फायदे मिले, ताकि आप भी लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें और अपनी बीमारियों को खत्म कर सकें। दोस्तों रोजाना आपको किसी भी समय गेहूं के दाने के बराबर आपको चूना लेना है। उसे आप गन्ने के रस में मिला करके पी सकते हैं, आप अपने खाने में मिला करके खा सकते हैं। बहुत सारे तरीकों से आप अपने डाइट में चूने को शामिल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। शरीर के कई सारे रोग को जड़ से खत्म करने में, हमारे शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ बनाने में चूने का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यदि आप इस तरीके से चूने का सेवन करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों में। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा ताकि आने वाले भविष्य में आप हमारे वीडियोज भी सबसे पहले देख सकें। साथ ही हमारे चैनल को योगदान करना भी बिल्कुल ना भूलेगा ताकि आने वाले भविष्य में हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज भी लेकर आते रहें। हम मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएं वंदे मातरम।